हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज किस वीडियो में एक एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में बताऊंगा जो कि रिलेटेड है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुकी है और आपको फिल करना है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से फिल कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, कैसे अप्लाई करना है, और इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक करना है, और एप्लीकेशन फ़ी क्या है, और सारे डिटेल्स बताने वाला। तो इस वीडियो को देखते रहो एंड तक, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना है, तो लाइक और शेयर करना, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। हम लोग इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं एडमिशन गाइडलाइन से रिलेटेड। सबसे पहले आपको बता दूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विथ लेट फी 5000 है, जो कि 4 जनवरी को एंड हो जाएगा। और साथ में आपको बता दूँ, विंडो टू एडिट अपडेट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपका 1 जनवरी सैटरडे से 4 जनवरी ऑफ थर्सडे, मतलब 2020 के बीच में आप कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए जाएंगे 10 जनवरी को, और रिटर्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम 19 जनवरी को आपका लिया जाएगा। विंडो टू रिसीव ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर GAT, तो वो आपको 22 जनवरी और 24 जनवरी को मौका दिया जाएगा, 22 से 24 जनवरी के बीच में। और साथ में इसके लिए आपको 500 रुपये फ़ी भी पे करने होंगे। रिजल्ट ऑफ रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम फरवरी या मार्च में रिलीज कर दिए जाएंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फॉरेन नेशनल SAG NRI OCI कैंडिडेट्स के लिए 30 अप्रैल तक ओपन की गई है, मतलब खुली रहेंगी। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। सिचुएशन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू आपका अप्रैल मई में लिया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एंड ऑफ मई या जून में आपके पब्लिश कर दी जाएगी, और काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑफ मई, मतलब रिजल्ट के बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं आप कुछ और डिटेल्स, कैसे आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी क्या। अप्लाई करने के लिए सिंपल से स्टेप्स है, आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे 3 लाइन पे, उसके बाद कुछ इस तरीके का ही ओपन होगा। उसके बाद इसमें आपको एडमिशन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर NIFT एडमिशन 2020, या आप अगर फॉरेनर स्टूडेंट हो तो इस पर क्लिक करना है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हो। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, तो इसमें आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि इस पे हम लोग क्लिक कर दिए और ये ओपन हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपको डिटेल्स मांगे जाएंगे, जो कि आपके नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ईमेल आईडी, प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लो, उसका सबमिट कर दो। फिर आपके जो मोबाइल या लैपटॉप पे, जिस पे भी आप कर रहे हो, मोबाइल पे आपका एक मैसेज आएगा जिसमें एप्लीकेशन नंबर और वो दिया रहेगा, अपना पासवर्ड, उसको आपको सेव करके रखना है। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद आपको टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना अकाउंट। और आप अगर देखना चाहते हो कि कैसे फॉर्म फिलअप किया गया है, तो यहाँ पे व्यू गाइडलाइंस पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पे से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नॉन रिफंडेबल फ़ी फॉर जनरल OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी 2000 रुपये आपको पे करने होंगे जनरल OBC, जनरल EWS कैटेगरी के लिए। और जो भी बच्चे SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1000 रुपये फ़ी पे करनी होगी। तो आप इस माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कुछ और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।